हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और जैसा कि अपनी वन शॉट सीरीज चल रही है, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नाइट्रोजन फैमिली। क्या सर, इससे पहले आप बाकी ग्रुप्स पढ़ा चुके हैं? अरे आपको नहीं पता तो बता देता हूँ बच्चों, ये देखो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कार्बन फैमिली एंड बोरोन फैमिली पूरा वन शॉट में पढ़ा चुका है। ऑल वीडियोज अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आप देख सकते हैं और शानदार आनंद उठा सकते हैं। सिंपली यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया, ताकि जब भी आपके पास वीडियो आए आप कोई वीडियो मिस ना कर दें। सर ऐसी और कौन सी वीडियोस है आपके पास? अरे देखो ये तो वन शॉट सीरीज है, जेई विद वालिया सीरीज। देखो सरफेस केमिस्ट्री वन शॉट में पढ़ा रखा है, अधिकांश लोगों को दिक्कत रहती है। और जो बच्चे आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे, बताना चाहूंगा मेरा नाम अनिरुद्ध वालिया है। जो जेई विद वालिया सीरीज है ना, जेई विद वालिया, इसमें मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ गैसियस स्टेट है, समझ रहे हैं आप। इससे पहले देखो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो पढ़ाया लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया, और भी बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड है। लिक्विड सॉल्यूशन के देखो डिटेल लेक्चर्स अपलोडेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद प्री पीडीएफ अपलोडेड है, सारा कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, दैट इज अनिरुद्ध वालिया। वेट मत करो गाइस, देख लो सब कुछ फ्री में मिलेगा यार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिटेल में पढ़ा रखा है यार। तो बस आप तो शानदार आनंद उठाते रहो, और पी ब्लॉक को नाइट्रोजन फैमिली ऑन वन शॉट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे एक्सेप्शंस, सारे की पॉइंट्स, और एक सीरीज में फटाफट से आइए बात करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली हम सबका अपना ग्रुप 15, दैट इज ग्रुप 15। बहुत फनी में पढ़ते हैं अपन, आज फिर उसी को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली, सर इसके एलिमेंट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रहता है, दीज आर नोन मेटल्स। आर्सेनिक एंड एंटीमनी इज मेटलॉइड एंड सिंपली बिस्मथ इज टाइपिकल मेटल। पहले दोनों नॉन मेटल्स, अगले दोनों मेटलॉइड्स एंड लास्ट वन इज मेटल। नाउ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करता, फॉस्फोरस शोज द एलोट्रोपी। और फॉस्फोरस के तीन मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं अपनों के पास, कौन कौन से? व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। व्हाइट जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस इज क्वाइट रिएक्टिव, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, स्टेबल ब्लैक वाला है। जो ब्लैक फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल और व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, ये दोनों बातें दिमाग में रखना है। अक्सर एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि अपनों को कितनी सी बात क्लियर हो गई। आइए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की, जनरल ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। एक एक करके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इनर्ट पेयर की बात कर रही हूँ, बिल्कुल इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रही हूँ, जैसे ग्रुप 13, 14 में अभी तक करते आए हैं। क्या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, या टॉप टू बॉटम जाते समय +5 या स्टेबिलिटी ऑफ +5, स्टेबिलिटी ऑफ +5, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, तो बढ़ती किसकी है? स्टेबिलिटी ऑफ +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाला पॉइंट अपन दिमाग में रखेंगे। अब जो बताने जा रहा हूँ पूरे चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट बातें, क्या सुनना ध्यान से, कुछ ऑर्डर्स। सबसे पहले बात करूंगा हाइड्राइड्स के ऑर्डर की, बात करने जा रहा हूँ हाइड्राइड्स के ऑर्डर की बात। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहेगा वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में बहुत बार पूछा जा चुका है दो बार, और आपको भी याद रखना है। बिस्मथ का हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर एंटीमनी, फिर अमोनिया ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड उसके बाद जो अपना आएगा आर्सेनिक, एंड लास्ट में फॉस्फोरस। ये वाला ऑर्डर याद रखेंगे। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर भी याद रखना यार। स्टेबिलिटी ऑर्डर वही, टॉप टू बॉटम जाएंगे डिग्रीज करेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये वाला ऑर्डर अपनों को दिमाग में रखना है। कितनी सी बात अपन दिमाग में रख पाएंगे बोलो। सर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर
अच्छा मेल्टिंग पॉइंट को क्या करती, मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा अलग ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, उनकी कंटेंट एकदम 102% वेरीफाइड है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है गाइस, हर कंटेंट वेरीफाइड है बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे खुद इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, वेरियस कोचिंग में मैं खुद पढ़ा चुका हूँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाता हूँ इतने सालों से, तो आपको कंटेंट के लिए कभी कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन एंटीमनी, देन आर्सेनिक, देन फॉस्फोरस। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स सर, ये जनरली जो ऑक्साइड्स बनाते हैं नाइट्रोजन फैमिली वाली, ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एक है E2O3 एंड E2O5। मतलब अरे देखो, जैसे ई क्या है, कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऐसे एक एंटीमनी, जैसे N2O3 N2O5 समझ गए, P2O3 P4O10, मतलब ये तो डाइमराइज कर जाता है, ये एक्चुअली P4O6 की फॉर्म में रहता है और ये P4O10 की फॉर्म में रहता है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि इन दोनों ऑक्साइड्स में से ज़्यादा एसिडिक कौन, तो ऑलवेज रिमेंबर हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ज़्यादा एसिडिक कौन, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ज़्यादा एसिडिक कौन, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला। कितनी सी बात हम दिमाग में रखेंगे बोलो गाइस, ये सारी बातें जो जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज आप इनको दिमाग में फिट करते चलना, और जैसा जैसा बता रहा हूँ बस वो दिमाग में रखते चलना। कुछ सेट रिएक्शंस का ट्रिक बता देता हूँ, दैट इज क्वाइट फेमस ऑन अनअकैडमी एज वेल एज ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट इज अनिल वालिया यूट्यूब चैनल, उनको प्यार से लोग बोलते हैं वालिया का जुगाड़। सर हाँ सर ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। मैं कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ NH4NO2, हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बता दो, हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बता दो। सर ए को लिख दो फिर, NH4NO3 हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बता दो। देखो दो ऑप्शन है, या तो आपने इन रिएक्शंस को याद रख रखा हो तो आप प्रोडक्ट बता पाएंगे, या फिर वालिया का जुगाड़ आपको बताओ। सर कंपाउंड को हीट करने से हमें इतना बताए कि मैक्सिमम पानी निकाल दो, अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, कंपाउंड को हीट करोगे तो पानी उड़ जाएगा, और यार इस कंपाउंड को जब हीट करूंगा तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर कितना पानी निकाल देंगे। सर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकल जाएगा, यानी ये N2H2 है, ये O2 गया, प्रोडक्ट बन गया N2 गैस। अगला रिएक्शन, अरे सर अगला में भी दिखता है कितना पानी निकाल सकते हैं, N2H2 निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन खत्म, 2 ऑक्सीजन खत्म, क्या क्या बच गया, सर 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन बन गया, N2O बच गया, दिखता है। अरे सर मजा सा आ गया, सर एक बार करवाओ ना मजा आएगा, आइए तो NH4O2 Cr2O7, इस कंपाउंड को ऑरेंज सॉलिड कलर का कंपाउंड होता है, ऑरेंज सॉलिड कलर का कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड को हीट करने पर देखना मिलता क्या क्या। सर 4 2 8 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन मिलके 4H2O बाहर निकाल दो, 4 2 8 हाइड्रोजन 7 ऑक्सीजन 4H2O निकाल दिया, Cr2O7 है ये Cr2। सर 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन मिलके Cr2O3 बना देंगे, टोटल के टोटल 7 ऑक्सीजन बाहर बच क्या गया, N2 गैस विल बी लिब्रेटेड, एंड दैट कंपाउंड कलर इज ग्रीन सॉलिड, ग्रीन सॉलिड। बोलो भैया क्या वाली बात दिमाग में रखेंगे, बोलो भैया इतनी सी बात क्लियर होगी तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सर ये वाले का जुगाड़ दिमाग में रखेंगे अब हमेशा के लिए। अरे वाह दोस्तों मजा सा आ गया मुझे भी सुन के। आगे बात करते हैं, कार्यक्रम कुछ ऐसा है, अब कुछ सेट कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, N2 को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट N2 की इक्वेशन है जो NCERT में भी गिवन है, जो प्योर फॉर्म में प्योर नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करेंगे आप, प्योर नाइट्रोजन दो ही कंपाउंड से यहां से ऑब्टेन होगा, एक है बेरियम अजाइड, को हीट करने पर N2 गैस लिबरेट होगी प्लस बेरियम, दिस कंपाउंड इज बेरियम अजाइड, एंड वन मोर कंपाउंड इज देयर NaN3 विच इज सोडियम अजाइड, यहां से भी N2 गैस प्लस सोडियम बाहर,
इन दोनों कंपाउंड्स को जब हीट करेंगे तो आपको प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेंड हो रही होगी। कितना सवाल दिमाग में रख सकते हैं? हाँ सर रख लेंगे। अरे बहुत ही शानदार भैया, इतनी सी बात अपन दिमाग में रख लेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखना आगे। अब कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं, रिएक्शंस की वही सेट रिएक्शंस बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड का N2 के साथ रिएक्शन है और जो कंपाउंड बनता है, और ये रिएक्शन जो होती है करीबन 1200 से 1300 केल्विन पे होती है हाई टेम्परेचर। जो कंपाउंड बनता है CaCN2 प्लस कार्बन, इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम। मिक्सचर इज नोन एज नाइट्रोलिम, और इस नाइट्रोलिम का हाइड्रोलिसिस करने पर, वाटर का साथ रिएक्शन करने पर, CaCN2 का वाटर के साथ रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस NH3 गैस बाहर। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट भी अपनों को दिमाग में रखना है एकदम टन टन टन। सर इतना तो हम याद रख पाएंगे? रखना ही पड़ेगा दोस्तों, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुनना दो अलग इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, तो अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई Cl2 के साथ, एक बार फिर अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई। अंतर क्या था? एक बार हमारे प्यारे अमोनिया को एक्सेस में लिया, एक बार हमारी प्यारी क्लोरीन को एक्सेस में लिया। भैया जिसको ज्यादा एक्सेस में लेंगे उसका ही तो दबदबा रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, यानी अमोनिया को जब एक्सेस में ले रहे हैं तो आपको दोनों प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन नजर आएगा N2 प्लस NH4Cl, और जब आप क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स में आपको क्लोरीन नजर आएगा NCl3 प्लस HCl। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है गाइस। प्रोडक्ट लिखने की टेक्निक सीख क्या आप लोग प्रोडक्ट लिखने की टेक्निक सीख रहे हैं मेरे साथ साथ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ? हाँ सर याद होगी हमको तो। अरे वाह वो तो बहुत ही शानदार बात है, ये तो बहुत ही शानदार बात है। ये सारे नोट्स आप एज ए नोट्स भी बना सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो सारी बातें दिमाग में फिट करते हुए चलें। अब जो आपको मैं नोट्स देने जा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक से जेई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पक्का आता है, देखना। अब जो जो मेटल्स बताऊंगा उसको दिमाग में फिट करते रहना और रट लेना एकदम, मैं कह रहा हूँ रट लेना। सुनना, एक कंपाउंड है जिंक, जिंक हो या आयरन, यदि एक बार इसकी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, एक बार इसकी डाइल्यूट के साथ करवाई और एक बार इसकी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाने पर NH4NO3 बनता है, डाइल्यूट के साथ करवाने पर N2O, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवाने पर NO2। ये दोनों प्रोडक्ट्स अपने को दिमाग में रखने हैं। जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो कॉपर से आया था, सेम रिएक्शन कॉपर के साथ भी, कॉपर हो सिल्वर हो या मर्करी हो, एक बार आपने डाइल्यूट HNO3 लिया और एक बार आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया। डाइल्यूट में प्रोडक्ट NO, कॉन्सेंट्रेटेड में NO2, कॉन्सेंट्रेटेड कहीं पे भी हो NO2 प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। ये दोनों बातें यार रट लेना, इंपॉर्टेंट मार्क बाय अनिरुद्ध वालिया, बस बोल दिया सवाल आ सकता है, पक्का सवाल आ सकता है। फिर सवाल आ गया तो फिर मत कहना भैया कि सर बताया नहीं, इसलिए पहले ही फिट कर दिया माइंड में आप लोगों की। क्लियर अपने को ये वाली बात? हाँ सर ये वाली बात तो दिमाग में हम फिट कर लेंगे, शानदार। अब कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सुनना ध्यान से, द वेरी फर्स्ट N2O विच इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनाएंगे? सर अभी आपने बताया था NH4NO3 को हीट करने पर N2O प्लस H2O बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अगला ऑक्साइड NO की बात कैसे करें? N2O का सर स्ट्रक्चर भी बता दो, फिर लगे आप। ओके स्ट्रक्चर भी बता देते हैं, दो स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड हो, एक तो ये स्ट्रक्चर रहेगा
और एक इसका रेजोनेंस रेजोनेंस करते हुए स्ट्रक्चर है, एक ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ NO की बात करें जा रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज सिंपली नाइट्रिक ऑक्साइड। ब्लैक पेज पर से लिखते तो अच्छा अच्छा लगता है ना अपनों को। सर ये NO गैस को डिलीवरेट करवाई थी कॉपर की डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर, जो गैस लिबरेट होगी कॉपर, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, NO इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। सवाल वाला पूछता है कौन सा ऑक्साइड न्यूट्रल है, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड भैया न्यूट्रल है, प्लीज रिमेंबर NO एंड NO2 आर न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड न्यूट्रल है। क्या अपनों को ये वाली बात चलेगी, क्या अपनों को ये वाली बात चलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स के सिलसिले में थोड़ा सा और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट N2O5 भी रहता है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, वो कैसे बनाते हैं देख लो, HNO3 की रिएक्शन P4O10 के साथ करवाते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड जो बनाते हैं HPO3 प्लस N2O5। यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्लस पांच ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ भी नाइट्रोजन प्लस पांच ऑक्सीडेशन स्टेट में था। P4X एज डीहाइड्रेटिंग एजेंट, डीहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर का रिमूवल। खुद सोच के देखो इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लूँ तो क्या होगा, सर दो हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन और छह ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो नाइट्रोजन छह ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल पानी का निकाल दो, क्या कंपाउंड बन जाएगा N2O5। P2P4O10 acts as dehydrating agent, dehydrating agent की तरह काम कर रहा होता है, दिमाग में रख लेगा भैया। हाँ सर रख लेंगे अरे बहुत ही शानदार, यदि इतनी सी बात दिमाग में रख लोगे तो दो छोटी छोटी बातें और बताऊँ बस आपको, बस दो छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, बस वो ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर किनका, P4O6 का, वो पीओपी लिंकेज वगैरह कई बार पूछता है, इसका स्ट्रक्चर देखना कैसे ऐसे बनता है कुछ, पीओपी 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 एक एक लोन पे रहे हर पूछता है। तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड्स आर सिक्स, पीओपी बॉन्ड पूछता है वो। और यदि वो भाई साहब अपनों से P4O10 पूछेगा ना, P4O10, तो आपको कुछ नहीं करना, देखना यदि P4O10 पूछेगा तो डबल बॉन्ड हो कर दो, डबल बॉन्ड हो सिंपली P4O10। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, ये दोनों स्ट्रक्चर भैया दिमाग में रखना। और पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं यार, वीडियो बना रखी है, प्लीज चेक कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करवा दूंगा, प्लीज चेक वीडियो डिस्क्रिप्शन, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का ट्रिक बता रखा है मैंने आप लोगों को, इतना सब दिमाग में रखेंगे। ये सारी बातें रही आपकी ग्रुप 15 से, बस इतनी इतनी बातें तो पक्का पक्का दिमाग में रखते हुए चले जाना यार, सवाल बन जाएगा आप लोगों से पक्का पक्का। आई होप ये लेक्चर भी आपको उतना ही पसंद आया होगा जितना बाकी लेक्चर्स पसंद आए हो। तो जो बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अनिल वाले के चैनल पर आपको हर कंटेंट मिलेगा जो आप चाहेंगे। दिस चैनल इज ओनली स्टूडेंट डिमांड स्पेसिफिक चैनल, जहाँ स्टूडेंट डिमांड करता है अनिल वाले आपके लिए वीडियो लाता है, चाहे वो वीडियो फिजिक्स की हो चाहे वीडियो केमिस्ट्री की हो चाहे मैथमेटिक्स की हो, आपको सिर्फ डिमांड करनी है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कमेंट करना है कि सर हमें ये वाला चैप्टर पढ़ा दो। आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं बच्चों। ग्रुप 13, 14 मैं कवर करवा चुका हूँ, ग्रुप 15 भी मैंने कवर करवा दिया है, सारी वीडियोज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यदि वीडियोज पसंद आ रही तो प्लीज वेट एंड रिव्यू द एंटायर सेशन एंटायर क्लास, वीडियो लाइक जरूर करना, और ये मत भूलना कि हम पी ब्लॉक ग्रुप 14 और ग्रुप 13 बोरोन और कार्बन फैमिली जरूर जरूर देख लेंगे, 20-20 मिनट की बात है यार। लिक्विड सॉल्यूशन कोई भी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है तो जे विद वालिया सीरीज से वीडियोस उठाओ, प्रैक्टिस करो। कोई चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में भी पढ़ सकते हो यार। सरफेस केमिस्ट्री जैसा महान चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट करवा दिया, थर्मोडाइनेमिक्स वेरी फेमस, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस भी पढ़ा रखी है यार, जो आप चाहोगे सब पढ़ा रखा है, शर्त एक है कि आप इस चैनल का यूज करें। चैनल पे वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें और चैनल का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि हर बच्चे को उस प्लेटफॉर्म का फायदा मिल सके। क्लियर है गाइस? अगला टॉपिक क्या चाहिए, मैं पी ब्लॉक तो कंप्लीट कराऊंगा, इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगला वीडियो आपके डिमांड पे आ रहा होगा कोई और टॉपिक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से जो भी पढ़ने का मन है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है गाइस। तो टारगेट करता हूँ 100+ लाइक्स का, और वीडियो में जरूर आएंगे भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो, रियल गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।